Hello guys, how are you all? So this is the bike and you can see मैंने इसका कैमरा का जो स्टिकर है वो यहाँ पे लगा दिया। जाना था बाइक पे ही, बट एक मेरे सब्सक्राइबर है मिस्टर शाहनवाज, उन्होंने मुझे बोला कि यार कुछ गुरखा पे भी तो बनाया करो। तो चलो आज गुरखा पे बनाता है। मैंने एक्चुअली तीन दिन पहले इसको वॉश किया था और यू कैन सी अगेन ये काफ़ी इस पे डस्ट आ गया है। सो फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ से निकालना होगा और उससे पहले मुझे ईओन को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। चलो पहले तो हम ईओन को हटाते हैं यहाँ से। यार वो रेडा खड़ा है ना, वो मसला है थोड़ा ना, उसकी टेंशन लेते हैं, पता नहीं आएगा ये बात से। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हमारी अपनी गाड़ी अपनी खाता नंबर है। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गुरखा और यहाँ पर दो सुपर बाइक्स खड़ी हैं, इनको भी हटाना पड़ेगा। ओके, एक सुपर बाइक ये भी खड़ी है यहाँ पर, इसको भी हम ले लेते हैं इधर। सुपर बाइक हो गए, अब है गुरखा का नंबर। काफ़ी भारी था लेकिन ये लोग बोले शोले। चलो करते हैं गाड़ी को अनलॉक, लेट्स एंटर द कार। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है इसका। थोड़ा सा इसको साफ़ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही लेके जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये सफाई होने के बाद कुछ इस तरह की हो गई है गुरखा। हालांकि मतलब वो बात तो नहीं है, बट यू नो थोड़ी बहुत सफाई हो गई है। चले निकलते हैं लेकर इसको यहाँ से। टेंशन है लेकिन यह क्या हमने निकाली बस ये निकालना एक बड़ा और फिर उसके बाद बहुत सारी बाइक्स। तो ये है मसला, अब हम इसको पहले गियर में लेते हैं। ओके चलो भाई देखेंगे यार, लेकिन बाइक्स हैं, इसकी बाइक्स हैं ये नहीं पता। बाइक तो हटानी पड़ेगी भाई, देख इसके बिना तो काम चलेगा। इतनी कटिंग नहीं है भाई, ये ट्रक है जो मैं ले रहा हूँ। देखो जी कितनी कम जगह है यहाँ पे ना, और यहाँ पे भी उधर उधर देखना वो अच्छा। चलो जी, ओ भाई साहब शीशे में देखो कितना कम बचा। चलो हमें आ ही गई देसी, मतलब हमारे यहाँ लोकल की, लोकल में चलाने की आदत हो गई है। आमिर खड़ा है सामने, आमिर को मैंने बुलाया था इसी जगह। तो आजा भाई आमिर, सुहेल पता क्या है यहाँ पे। वालेकुम सलाम, थोड़ा वो टाइट बंद कर। आप देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, गाड़ी वाला कोई आ गया ना तो कहेंगे हाँ बहुत बड़ा गाड़ी वाला बंदा कहीं का। हाँ भाई कैसा लग रहा था गाड़ी में? तो ये आमिर है मेरा कजन, आपने शायद पहले भी देखा होगा उसको मेरी वीडियोज़ में। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई बेल्ट लगा लो, लगानी चाहिए ना। यहाँ से हम चलेंगे राइट। चलो भाई कैमरा मैन बन गया, तो यहाँ से हम राइट लेंगे। ओके ये जा रहे हैं हम, ये
अपनी उस जगह जहाँ पर हमें आज जाना है, मतलब जो मैंने इमेजिन किया कि हम वहाँ जाएंगे आज, ठीक है? ओके ओके, तो ना मेरा भी बहुत काम है भाई, तो आमिर मेरे साथ आ गया है अब, चूंकि तब तक ना मैं अकेला ही पकड़ रहा था, 1 हफ्ते गाड़ी चला रहा था और उन खतरनाक रास्तों से जहाँ पर ज्यादा ही ट्रैफिक था वहां से गाड़ी निकाल रहा था, और अब ये आ गया तो ये कैमरा संभाल लेगा। और चूंकि चालावाद भाई ने बोला है भाई गुरखा पे ब्लॉग बनाओ, तो आज का जो ब्लॉग है डेडिकेटेड टू हिम, मुझे नहीं पता कौन से शालावाद भाई हैं बट मेरे फॉलोवर ही है कोई, यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर ही हैं। ओ भाई इसमें इसमें ना वो बहुत है जम गाड़ी में, जब ऐसे ऐसे करके मतलब दोनों साइड को शुगर इसका वो करता है, तो कुत्ता बच्चा उसने अपने कदम पीछे डाल के ना भाई, तो छोड़ देगा भाई बंदा। तो क्या किया भाई आज पूरे दिन आमिर? पूरे दिन आज पाइथन की क्लासेस ली कुछ। पाइथन? पाइथन स्नेक जी पाइथन। चल भाई तूने पाइथन की क्लासेस ली? मैं गया था आज क्या नाम है कान कौन सी जगह था, कांधला नहीं, थोड़ा ना बोड़ा नहीं, उससे पहले एक और पड़ता है, फिर ये पड़ता नहीं यहाँ पे रोहाना के पास, क्या नाम है जगह का, 20 किलोमीटर था मतलब यहाँ से, तो मैं गया था वहां पर, तो आए नहीं हम तो अकेले निकल गए। गाइस गाइस ये देखो क्या लेके जा रहे हैं भाई साहब, ओह माय गॉड, आरएक्स 135 5 स्पीड। हाँ ब्लॉग चल रहा है, चलो मैं लेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे सरप्राइज पार्टी है और ये है बाइक लवर, मतलब इतना बड़े वाले बाइक लवर है। ओह पहली बार गाड़ी बदल दिया, तो बड़े वाले बाइक लवर हैं ये सरफराज भाई हमारे, इनको मैं कह रहा था चलो भाई मेरे साथ गाड़ी में घुमा के लाता हूँ तुम्हें, तो ये बाइकों में घूमे घूमते रहते हैं। RX 135 इनके पास 5 स्पीड जो भी मैंने आपको दिखाई है। ओके सो किया, क्या अच्छी गाड़ी है। चलो भाई एक लड़का मुझे कह रहा था वो क्या ट्रक सालियों की रात है तुम रात, मेरे ट्रक सालियों है वो वो चीज़ है थार वाली जिस चीज़ को तरसते हैं, हालांकि थार भी अपने आप में बहुत अच्छी गाड़ी है। चलो भाई वो हमारी जगह जहाँ हम अक्सर जाते हैं, तो आज ये एक्चुअली बन रहा है हमारा ये रेलवे ट्रैक बन रहा है यहाँ पे, देवबंद टू रूट की डाइवर्जन है ना ये, तो हाँ देवबंद टू रूट की डाइवर्जन है ये वाला, तो ये रेलवे ट्रैक बन रहा है, एक रेलवे ट्रैक अलग बन रहा है उधर दूसरी साइड। सो कुछ सीन देख लेते हैं गाड़ी के, सोच रहे होंगे भाई इस पे गाड़ी पे वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं, दरअसल ये गाड़ी गई थी इंदौर, ये गाड़ी थी भैया के पास, और भैया जो है वहाँ इंदौर में इसको IIT में रख रहे थे अपने पास, क्योंकि उन्होंने ही वहीं के लिए इसको लिया है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इसका एक व्हील चोरी हो गया था, तो नया व्हील मिल गया है, कंपनी से मंगा लिया है सेम। अच्छा थोड़ी प्रॉब्लम थी इसमें गाड़ी में, जैसे कि इसका इसमें एक पत्थर लग गया था लद्दाख टूर के दौरान, तो एक कोई कंपोनेंट है इसका जो थोड़ा सा बैंड हो गया था, वो जो कुछ यहाँ पे लगता है वो शायद दिख जाए यहाँ पर कहीं लगता है, वो मुझे जो रबर दिख रहा है ना स्प्रिंग टाइप से यहाँ पे लगता है मुझे, इसका पार्ट का नाम याद है, तो
वो भी ठीक हो गया। उसके बाद तो यार पावर बड़ी सही लगाने लगी है, काफ़ी अच्छी पावर लगा रही है और अभी फिलहाल मस्त चल रही है एकदम बिल्कुल। गाइस ये अब एक गाड़ी ये है, और मुझे बताइए किस तरह की वीडियो बनाऊँ मैं नेक्स्ट इस पर भी, क्योंकि अभी पूरा महीना यहाँ पर रहेगी ये, अभी कुछ एक हफ्ते से खड़ी है, लगभग एक हफ्ता हो गया और अब एक महीना पूरा यहाँ पर रहेगी। और हाँ एक प्लान मैंने आपको नहीं बताया इसके बारे में, अभी हम लोग जाएंगे, फारूक भाई जाएंगे साइकिल राइड पे, तो मनाली से मैं इसको पिक करूँगा, फिर मैं जब वो लद्दाख पहुँच जाएंगे ना, मनाली से लद्दाख साइकिल राइड है उनकी, तो जैसे वो पहुँच जाएंगे लद्दाख उससे कुछ 2 दिन पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँगा गुफा को लेकर, तो उस पर तो मैं काफ़ी अच्छी आपको एक प्रॉपर सीरीज बन जाएगी हमारी वीडियोज़ की, तो वो आपको भी दिखाऊँगा मैं अपने चैनल पर, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, वो लगभग हमारा 7 दिन का ये टूर रहेगा इस गाड़ी के अंदर, तो उसके लिए भी आप वेट करें, सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन दबा के रख दो, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाएगी। तो यार आमिर का शुक्रिया, आमिर आ गया और कुछ हेल्प हो पाई मेरी, आज वीडियो पूरी हो गई आज की, तो यही था बस आज के ब्लॉग में, चलिए मैं खत्म करता हूँ इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।